गाजर का हलवा खाना तो सबको पसंद है, लेकिन वो बनाने में बहुत टाइम लगता है और मेहनत भी। तो इसीलिए सरिताज किचन में आज हम बिना किसी झंझट के बस 1 कप दूध और 3 चम्मच घी से 15 मिनट में गर्मा गर्म हलवाई जैसा गाजर का हलवा बनाएंगे। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। गाजर का हलवा बनाने के लिए मैंने सबसे पहले गैस पे कढ़ाई गरम करने के लिए रख दी है। कढ़ाई गरम होने के बाद अब हम इसमें 3 बड़े चम्मच घी डालेंगे। अगर आपको घी पसंद हो तो आप यहाँ पे घी एक्स्ट्रा भी डाल सकते हो। घी गरम होने के बाद अब हम इसमें मैंने यहाँ पे 2 कप कद्दूकस किए हुए गाजर लिए हैं, वो डालेंगे। मैंने ये गाजर अच्छे से धो के साफ़ करके फिर कद्दूकस करके लिए हैं। अब ये गाजर हम अच्छे से घी में भून लेंगे। ये गाजर भूनते वक्त मैंने गैस का फ्लेम मीडियम टू लो रखा है। हमें ये गाजर मीडियम टू लो फ्लेम पे बस 3 से 4 मिनट तक भून के लेने हैं। गाजर इस तरह से घी में भून लेने से गाजर का कलर बहुत अच्छा आता है और खुशबू भी। तो यहाँ पे गाजर हमने 3 से 4 मिनट तक घी में भून लिया है। अब हम इसे एक प्लेट में निकालेंगे। गाजर प्लेट में निकालने के बाद मैंने वही कढ़ाई गैस पे रख दी है। अब हम उसमें 1 कप दूध डालेंगे। आप यहाँ पे उबला हुआ या बिना उबला हुआ भी दूध ले सकते हो। मैंने यहाँ पे उबला हुआ गर्म दूध लिया है। अब इस दूध में फिर से एक बार हम उबाल आने देंगे। तो आप देख सकते हैं दूध में उबाल आ चुका है। अब ये दूध हम 1 मिनट तक ऐसे ही उबलने देंगे। दूध उबलने लगे तो ऐसे चम्मच से एक बार मिक्स भी कीजिए ताकि दूध नीचे लग के जल ना जाए। तो यहाँ पे हमने मीडियम फ्लेम पे 1 मिनट भर दूध अच्छे से उबाल लिया है। अब हम इसमें 1/2 कप कद्दूकस किया हुआ पनीर डालेंगे। अब ये पनीर दूध में अच्छे से मिक्स करेंगे। पनीर हमने यहाँ पे इसलिए डाला है क्योंकि पनीर की वजह से दूध गाढ़ा हो जाता है और हलवे में टेक्सचर भी बहुत अच्छा आता है और हलवा टेस्ट में भी बहुत अच्छा बनता है। अब पनीर डालने के बाद ये दूध हमें लो फ्लेम पे ऐसे चम्मच से हिलाते हुए 2 से 3 मिनट तक अच्छे से उबालना है ताकि इसमें जो हमने पनीर डाला है वो पक जाए और दूध भी अच्छे से गाढ़ा हो जाए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दूध कितना गाढ़ा हो चुका है और इसको देख के बिल्कुल ऐसा लगता है कि हमने इसमें खोया डाला है। अब हम इसमें जो हमने कद्दूकस किया हुआ गाजर घी में भून लिया था वो डालेंगे। गाजर इसमें डालने के बाद अब ये हम दूध में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने गाजर दूध में अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें चीनी डालेंगे। तो मैंने यहाँ पे 1/2 कप चीनी ली है। अगर आपको गाजर का हलवा ज़्यादा मीठा पसंद हो तो आप यहाँ पे इससे थोड़ी ज़्यादा चीनी और ले सकते हो। अब चीनी डालने के बाद एक बार फिर से ये चीनी हम हलवे में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चीनी हलवे में मिक्स करने के बाद अब हम इस पे ढक्कन रखेंगे और मीडियम फ्लेम पे ये हलवा 2 से 3 मिनट तक पकने देंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो हमने हलवा 2 से 3 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे पका लिया है। अब हम इसमें ऊपर से 1 बड़ा चम्मच घी और डालेंगे। यहाँ पे घी डालना पूरी तरह से ऑप्शनल है। अगर आपको नहीं डालना हो तो आप नहीं भी डाल सकते। मुझे पसंद है इसलिए मैंने यहाँ पे और 1 चम्मच घी डाला है। अब घी डालने के बाद इस पे ढक्कन रखेंगे और गैस का फ्लेम मीडियम टू लो रखें ये हलवा अच्छे से पका लेंगे। ये हलवा हम पका रहे तब बीच बीच में ढक्कन निकाल के ऐसे मिक्स करते रहना है। तो यहाँ पे मैंने ढक्कन रख के 4 से 5 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम पे ये हलवा पका लिया है और आप यहाँ पे देख भी सकते हो इसका टेक्सचर कितना अच्छा आया है। अब हम इसमें ऊपर से 1 छोटा चम्मच इलायची पाउडर डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने 4 इलायची चीनी के साथ पीस कर उसका पाउडर बना लिया है और यहाँ पे मैंने बारीक कटे हुए बादाम लिए हैं,
वो भी हम इसमें ऊपर से डालेंगे। आप यहाँ पे इसमें और भी ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हो। अब इलायची पाउडर और बादाम डालने के बाद हम इसे हलवे में अच्छे से मिक्स करेंगे और गैस का फ्लेम मीडियम रख के 1 से 2 मिनट तक ऐसे हिलाते हुए ये हलवा पका लेंगे। तो देखा आपने कितने कम समय में बिना किसी मेहनत के झंझट के ये गाजर का हलवा बस 15 मिनट में बन के तैयार हो जाता है। और इसमें ना ही हमने खोया ना मावा डाला है, फिर भी ये देखने में कितना अच्छा और उतना ही टेस्टी लगता है। और हमने जो पनीर दूध के साथ पका लिया था उसकी वजह से इसका टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा आता है। तो इस सर्दी में ये फटाफट बनने वाला गाजर का हलवा आप ज़रूर बना के देखिए। तो हम भी ये हलवा अब गर्मा गर्म सर्व करेंगे। अगर आपको आज की ये रेसिपी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। और ऐसी ही नई और आसान रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कीजिए, ताकि ऐसी नई नई आने वाली मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।